नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, पूर्णिया में कस्बा विधानसभा सम्मेलन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हजारों लोगों के साथ उतर गए, उसके बाद अपनी सीट के बारे में बताने लगे कि कुछ भी हो जाए हम इंडिया गठबंधन से लड़ें या अपनी पार्टी से लड़ें, पूर्णिया का सीट जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ने वाले हैं, वादे किए हैं और बहुत सारी बातें भी बताए हैं और सीधे बोले हैं कि पूर्णिया मेरी माँ है और मैं इनकी गोद में रहना चाहता हूँ। हजारों की संख्या में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कस्बा विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, आप वो सुनिए। पहला है कस्बा में एम्बुलेंस, छोड़िए ना उन लोगों की देख रहा है भाई, आप लोगों को जो मैंने वादा किया है कि चुनाव के पहले कस्बा अस्पताल को मेरे निजी पैसे कोष से निजी कोष से किसी भी बीमा पर एक एम्बुलेंस की मैं घोषणा करता हूँ और कस्बा आम आदमी की सुविधा के लिए मैं उसको उस एम्बुलेंस को कस्बा अस्पताल का लपड़ा वो कहे कस्बा अस्पताल का है। दूसरा, जफर जी ने डिमांड किया है एक सीमांचल एक्सप्रेस को कस्बा और जलालगढ़ दोनों स्टेशन रुकना संभव हो जाता है कि नजदीक में नहीं होगा। पूर्णिया जंक्शन के बाद जो बेस्ट होगा कस्बा और जलालगढ़ में कोई एक स्टेशन जो दूरी किसी भी कीमत पर सीमांचल एक्सप्रेस को मेरी पूरी ताकत होगी कि एक मिनट के लिए भी सीमांचल एक्सप्रेस रुके। यह प्रयास मेरे चुनाव के पहले मैं शुरू करूंगा और इसके लिए होगा तो आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद हर कीमत पर सीमांचल इस दोनों किस्म में से एक स्टेशन रुके। तीसरा, मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया उपराधान, पूर्णिया एक हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया होते हुए सहरसा होते हुए निश्चित रूप से राजधानी एक्सप्रेस जो मेरा सपना उसको मैंने आप याद कीजिए, हम सफर शुरू किए थे, एक मैंने व्यवस्था किया नहीं, एम्स की व्यवस्था दरभंगा और सहरसा के लिए हो चुकी है। ये लड़ाई पहले से है कि एम्स एक तरफ दरभंगा दूसरी तरफ सहरसा, पूर्णिया में एयरपोर्ट हर कीमत पर। मैं आपको वचन देता हूं चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर पूर्णिया के एयरपोर्ट से आम पब्लिक के लिए सर्विस ड्राइव निश्चित रूप से चालू, क्योंकि इसमें सारा प्रयास मैंने पहले किया। मैंने पहले भी शिलान्यास किया था कुर्सेला से उपोली भवानीपुर बरहारा होते हुए मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे के लिए, ये मेरा संकल्प है। शिलान्यास हो चुकी थी, सर्वे हो चुका था, उसके बाद अभी तक लोगों ने पैसा नहीं देके उसको दबाया गया है। 5 महीने के बाद मेरी पहली शुरुआत एयरपोर्ट और रुपोली भवानीपुर को रेलवे से जोड़ूंगा। तो आपने सुन लिया कि सीधे पप्पू यादव अपनी सीट के बारे में बोले हैं कि इंडिया गठबंधन से लड़ें या अपनी पार्टी से लड़ें, पूर्णिया की सीट मैं नहीं छोड़ने वाला, जितनी ताकत हो सब लोग लगा दें लेकिन मैं पूर्णिया का जो सीट है वो नहीं छोड़ने वाला हूं, वादे भी कर रहे हैं। और लोगों का हुजूम देखिए, लोगों का प्यार देखिए जो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिल रहा है। कस्बा विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन था और सारे लोग पहुंचे थे, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और पप्पू यादव सीट के बारे में बोले हैं, इंडिया गठबंधन के बारे में बोले हैं, अपने बारे में बताए हैं, अपने सीट के बारे में बताए हैं और वादे क्या किए हैं वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, धन्यवाद।